कैसेट एसी काम कैसे करता है, किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है और किस तरह से उसका कनेक्शन किया जाता है, कंप्लीट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो छोटा सा होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो हम बात करते हैं कि कैसेट एसी जैसा कि आप देख सकते हैं ये कि किस तरह से इंस्टॉलेशन इसका किया जाता है। दीवार जो दीवार में नहीं होता है, स्प्लिट एसी दीवार में इंस्टॉल किया जाता है, विंडो एसी विंडो में इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन कैसेट एसी अगर कहीं भी जगह ना हो, दीवार में नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसको सेलिंग में लटकाया जाता है, इसको टांगा जाता है सेलिंग में। टांगने के बाद उसके बाद वहीं पर इंस्टॉल रहता है वो। इसका आउटडोर होता है, आउटडोर बाहर में लगाया जाता है, घर के बाहर में। बस वही डिफरेंस इतना ही होता है कि स्प्लिट एसी में इंडोर को दीवार में लटकाया जाता है, लेकिन कैसेट एसी को दीवार जो सेलिंग होता है सेलिंग में लटकाया जाता है। अब इसका कनेक्शन कैसे होता है और इसका जो साइकिल साइकिल है वो किस तरह से काम करता है, जो इसका साइकिल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम उसी तरह से होता है जैसे डक्टेबल एसी होता है, स्प्लिट एसी होता है, उसी तरह से जो मिनी एयर कंडीशनर होता है उसी तरह से कैसेट एसी का भी साइकिल सेम होता है। यानी कि आउटडोर आउटडोर तो सेम होता है, इंडोर में डिफरेंस होता है कि स्प्लिट एसी और कैसेट एसी में, बस डिफरेंस आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिफरेंस होता है। तो इसका साइकिल उसी तरह से होता है कि आउटडोर में इसका रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है, आउटडोर से इंडोर सक्शन और डिस्चार्ज लिक्विड लाइन वही होता है, सेम होता है, कोई भी डिफरेंस कोई भी चेंजेस नहीं होता है इसमें। अब हम बात करते हैं वायरिंग की कि वायरिंग इसकी किस तरह से की जाती है। वायरिंग समझना मेन होता है क्योंकि इसका वायरिंग सेम किस तरह से किया जाता है, जो डक्टेबल एसी होता है जो कि 3 टन का 4 टन का 5 टन का 3 फेज़ का, वैसे तो जो कैसेट एसी होते हैं वो ज़्यादातर 3 फेज़ में ही आते हैं, 3 फेज़ में होते हैं, सिंगल फेस और 3 फेज़ दोनों हम बात करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो इसका कनेक्शन होता है 3 फेज़ की पहले हम बात कर लेते हैं। 3 फेज़ में क्या होता है कि इसका जो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, इसमें न्यूट्रल और लाइन नहीं होता है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 तीनों जो होता है तीनों फेज सप्लाई होता है, जो कि तीनों कंप्रेसर के जो आउटडोर होता है आउटडोर के कॉन्टेक्टर, आप देख सकते हैं 3 फेज का 3 पोल कॉन्टेक्टर लगा होता है आउटडोर में। तो मेन सप्लाई जो है ना, जो एमसीबी से मेन सप्लाई जाता है 3 पोल कॉन्टेक्टर में। अब 3 पोल कॉन्टेक्टर में पहले इनपुट होता है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, उसके बाद उसके दूसरी साइड में होता है टर्मिनल 1 T1 T2 T3। तो उसके सामने वायर यहाँ पे गलत नहीं करना है। ध्यान में एक चीज़ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आप सप्लाई दे रहे हैं लाइन 1 में लाइन 2 में लाइन 3 में, सेम वही वही वायर आपको लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दे रहे हैं, वही सेम वायर दूसरी तरफ सेम कलर कोड आपको T1 लाइन 1 का T1 में डालें, उसके बाद लाइन 2 का जो L1 लिखा L2 लिखा है वो T2 में करें, और जो L3 लिखा हुआ है उसको T3 में डाल दें। ये हो गया कनेक्शन आउटडोर। अब यहाँ से MCB जब हम ऑन करेंगे तो ये, और कॉन्टेक्टर को जब प्रेस करेंगे इसको ड्राइवर से जब देखिए, कॉन्टेक्टर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, केवल सप्लाई आप MCB ऑन कर देंगे तो सप्लाई जा करके रुकी रहेगी कॉन्टेक्टर के पास, दूसरी साइड में सप्लाई नहीं भेजती है। कब तक? जब तक आप ऊपर देख सकते हैं प्लंजर जो होता है, जब तक आप उसे इसको ड्राइवर से आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक दूसरी साइड में सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पर सप्लाई उसमें जम्पर लगा होता है जो कि दूसरी साइड में जब हम प्रेस करते हैं तो दूसरी साइड में भेज देता है। अब क्या ये समझना है कि क्या हम बार बार इसको ड्राइवर से उसे हम प्रेस करने जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए काम करता है इनडोर का जो कमांड लाइन होता है वह काम करता है। 3 फेज सप्लाई हमने दे दिया, इनडोर से कोई मतलब नहीं है अभी, 3 फेज हमने आउटडोर में दे दिया, लेकिन अब क्या करना है हमें, कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिक उसे करना है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवाना है। तो उसके लिए क्या करना है, अब हम जो 3 फेज सप्लाई दिए वहाँ से, अब वहीं से एक न्यूट्रल एक लाइन निकाल करके सीधा हम लेके आ जाएंगे इंडोर में। इंडोर में हमारा आ गया, इंडोर ऑन हो गया। अब देखिए 3 फेज में जो होता है ना, आउटडोर 3 फेज का होता है लेकिन इंडोर 220 करंट का होता है, यानी कि सिंगल फेस होता है। तो आउटडोर में से लूप करके एक न्यूट्रल एक लाइन वहाँ से निकाल करके लाएंगे, इंडोर के PCB में दे देंगे, एक रिले पर और एक
हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई होता है वहाँ पे पीसीबी में दे देंगे। तो पीसीबी हमारा क्या हुआ, पीसीबी ऑन हो गया। अब पीसीबी जब ऑन हुआ तो पीसीबी में से अब जो इंडोर का जो मोटर होता है, जो कैसेट एसी का इंडोर का जो मोटर होता है, उसे ऑन करने के लिए उसका जैक लगाएंगे, सेंसर का जैक लगाएंगे। उसके बाद जो आउटपुट सप्लाई निकलेगी, यानी कि रिले का जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो निकलता है कमांड लाइन, वो सीधा निकल करके कंप्रेसर के कॉमन पे जाएगा। कंप्रेसर के कॉमन पे जाएगा यानी कि कंप्रेसर के कॉमन पे कैसे जाएगा ये भी समझ लीजिए। कंप्रेसर के कॉमन पे नहीं जाएगा क्योंकि वो थ्री फेज का कंप्रेसर है। कंप्रेसर जो कॉन्टेक्टर है ना, कॉन्टेक्टर के क्वाइल वाले पॉइंट पे जाएगा, जहाँ से जो क्वाइल का, अब देखिए क्वाइल में भी उसमें अलग अलग सप्लाई दी जाती है। जो कॉन्टेक्टर होता है ना, कुछ 24 वोल्ट पे डीसी पे रन करता है, वर्क करता है, कुछ होता है 220 पे वर्क करता है। तो कॉन्टेक्टर भी में भी आपको सप्लाई अलग अलग मिलेगी जो उसका क्वाइल होता है। तो उसमें लिखा रहता है उसमें कि कौन सा सप्लाई इसको देना है, 24 वोल्ट देना है या फिर 220 का करंट देना है। तो वो जो कमांड लाइन वो निकल करके जाएगा ना, वो सीधा कॉन्टेक्टर के क्वाइल पे जाएगा। अब एक क्वाइल अगर उसमें एक 220 का है तो उसमें एक न्यूट्रल देंगे और एक जो फेस है ना, अब यहाँ से आउटडोर में से ही लूप करके हम न्यूट्रल पे दे देंगे कॉन्टेक्टर के। लेकिन जो जो लाइन होगा, जो फेस होगा, वो हमारा इंडोर के पीसीबी से आउटपुट निकल करके कमांड लाइन आता है पीसीबी से। अब यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा कि जब हम इंडोर को ऑन करेंगे रिमोट से ऑन करेंगे और वहाँ से पीसीबी ऑन होगा, 2 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद टाइमर ख़त्म होगा, आउटपुट सप्लाई दे देगा, यानी कि रिले आउटपुट सप्लाई दे देगा। अब न्यूट्रल तो वहाँ पे मिला हुआ है ऑलरेडी, जो कॉन्टेक्टर का जो उसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रल उसमें लगा हुआ है। अब सिर्फ फेस की ज़रूरत है, फेस जब जाएगा तो क्या होगा कि कॉन्टेक्टर तुरंत ऑन हो जाएगा, यानी कि उसका क्वाइल झटका दे करके उसे खींचेगा और कॉन्टेक्टर जो है ना, कॉन्टेक्टर का प्लंजर नीचे दब जाएगा और ऑन हो जाएगा। उसके बाद कंप्रेसर चल जाएगा क्योंकि थ्री फेज की सप्लाई लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री ऑलरेडी उसमें पड़ी हुई है। सिर्फ क्या है उसमें कि कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। कॉन्टेक्टर का ऑन करने के लिए इंडोर का पीसीबी ऑन कर दिया। तो अब क्या हुआ, कंप्रेसर हमारा चल गया है। अब हमारी जो है सिस्टम पूरा वर्क कर रहा है, कूलिंग हो रहा है, उसके बाद आउटडोर भी चल रहा है, आउटडोर का फैन मोटर भी चल रहा है, इस तरह से ये कंप्लीट सिस्टम चल रहा है। अब बंद कैसे होगा, बंद अब इसके बाद काम कैसे करेगा, सेम उसी तरह से काम करता है जो नॉर्मल एयर कंडीशनर होता है मिनी, उसी तरह से काम करेगा। जब रूम में कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सेंसर सेंस करेगा, उसके बाद रिले क्या करेगा, आउटपुट सप्लाई बंद कर देगा, यानी कि आउटपुट सप्लाई बंद कर देगा। तो कॉन्टेक्टर यहाँ पर बंद हो जाएगा, कॉन्टेक्टर का प्लंजर ऊपर चला जाएगा और थ्री फेज की सप्लाई फिर भी वहाँ पर रुकी रहेगी आउटडोर में। उसके बाद जब फिर रूम में गर्मी होने लगेगा, फिर कमांड लाइन भेजेगा इसमें, उसके बाद कमांड जाएगा वहाँ पे, फिर हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा कंप्रेसर चलने लगेगा। इसी तरह से वर्क करता है, इसी तरह से इंस्टॉल किया जाता है कैसेट एसी। बस इतना सा डिफरेंस होता है और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। समझना आसान होता है, चाहे मिनी एयर कंडीशनर स्प्लिट हो, विंडो एसी हो, या फिर कैसेट एसी हो, या फिर डक्टेबल एसी हो, सारे एसी एक जैसे ही काम करते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझना डिफरेंस होता है। अगर आप समझ पाएंगे तो अच्छे से आप कोई भी सिस्टम हो, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।